गौरी कुंड में माता गौरी का मंदिर है और यहीं पे तप्त कुंड है। कुंड में स्नान करना फिलहाल वर्जित है कोरोना की वजह से। और गौरी कुंड में स्थित ये माता गौरी का मंदिर, यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है और 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है अभी। तो मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करता हूँ, यात्रा आरंभ करते हैं माता गौरी के चरणों में नमन करते हुए और हर हर महादेव के जयकारे के साथ मैं अपनी यात्रा भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे ये माता गौरी का पवित्र मंदिर। चिरवासा आई थिंक 3.5 किलोमीटर का ट्रैक मैंने कंप्लीट कर लिया है। नीचे धूप पूरी तरह खिल रही थी, अब बादल हो गए हैं, बारिश होने लगी है, ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ बारिश अच्छी खासी होने लगी है, बादल पूरे गए हुए हैं। अब यहाँ से मैं करूँगा ऑलमोस्ट, उम्मीद है 6:30-7 बजे तक मैं ऊपर पहुंच जाऊं, जिससे आरती में सम्मिलित हो सकूं। शाम की कोशिश जारी है, पर अपना ये साथ एक व्यक्ति है वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है और मेरे बगल में ये झरना बह रहा है, बड़ा शानदार झरना है ये वाला। मौसम पूरी तरह बदल गया है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, बारिश होने लगी है। अभी 3.5 किलोमीटर ही ऊपर चला हूं, इतने में ही आगे और मौसम बदलेगा, पर जोश बरकरार बना हुआ है। भोले से मिलने की इतनी उत्सुकता है कि मौसम सबको देख लेंगे। बाकी चलते हैं फिर आपसे जंगल चट्टी पे या रामबाड़ा पर, फिर आपसे संपर्क करूँगा। तब तक के लिए जय भोले की। किलोमीटर की यात्रा
5 किलोमीटर की यात्रा भी कंप्लीट की है गौरीकुंड से। और मौसम बहुत ठंडक है, हवा बहुत ठंडी चल रही है, एकदम बादल घिरे हुए हैं, बारिश लगातार रुक रुक के हो रही है। 9 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। एक ये पीछे कोई छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान है, यहाँ थोड़ा स्टॉप लिया है, 10 मिनट का रुकूँगा, उसके बाद यात्रा को दोबारा चालू करूँगा। नीचे का रास्ता है गौरीकुंड की तरफ का, चलता हूँ आपसे मिलूँगा बेस कैंप पहुँच कर, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मौसम खुला हुआ पर जमीन पर बर्फ पड़ती हुई, कल की बर्फ है ये, कल पड़ी थी। ये सब सामने वाले पहाड़ पर पुरानी वाली रास्ता थी, ये सब लैंडस्लाइड में चली गई। जब 2013 का फ्लड आया था, पहले रास्ता उधर की तरफ से थी जो पैदल यात्री चलते थे गौरीकुंड से। ये दिख रही है ये वाली, ये पूरी रास्ता गई थी जब मैं पहले आया था, तो उसी रास्ते से गया था। बाकी ये केदारनाथ का मंदिर, और ये ऊपर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ पूरी, इधर भी बर्फ़ है, सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो भयंकर फ्लड था। जय भोले की सभी को। तो 9 साल 3 महीने और 18 दिन बाद भोलेनाथ की कृपा से आज मैं केदार बाबा के श्री चरणों में दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, और
मैं कल रात को पहुंचा था। एक्चुअली बीच में जंगल चट्टी से थोड़ा ऊपर चलते ही स्नोफॉल होने लगा था, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। शाम की आरती मैं मिस कर गया और मैं 9:30-10 बजे करीब यहाँ पहुंचा था। फिर मैं सीधे इतना थक गया, थोड़ा एक दो कपड़े भीग भी गए थे, तो मैं सीधे जाके रूम में चला गया था। और सुबह ही जल्दी उठ के मैंने बाबा केदार के दर्शन किए। भीड़ भाड़ अच्छी है पर चलती हुई भीड़ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आसानी से दर्शन हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली मुझे गौरीकुंड से जब मैंने यात्रा स्टार्ट की तब से लेकर अब तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। हाँ, मौसम का थोड़ा सर्दी बहुत है, -2 टेम्परेचर है अभी। मैं सुबह जब लगा था लाइन में तब -2 था। धूप हालांकि खिलने लगी है, ऊपर मौसम आप देख रहे हैं बर्फीली चोटियां हैं और उन पे धूप पड़ रही है, तो शानदार नज़ारा, एकदम प्रकृति का अनमोल संगम है। आध्यात्मिक दृष्टि से केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और मान्यता यह है कि यहाँ महाभारत काल के दौरान जब पश्चाताप करने के लिए पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदू धार्मिक पौराणिक सनातन संस्कृति में केदारनाथ का बहुत बड़ा महत्व है, तो हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। पिछले 1.5 साल से कोरोना ने कुछ दिक्कत की थी, पर हालांकि जब सरकार ने दोबारा इस यात्रा को खोला तो श्रद्धालुओं के जोश में, श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी और पूरे जोर शोर से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। सकती तो जब भी मौका मिले केदारनाथ के दर्शन जरूर करने आए और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लें। हालांकि जो भक्त आ भी नहीं पाते हैं बाबा भोलेनाथ, तो उन पर भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर और यहाँ बैठूँगा। शिव सुन है, मंदिर के पीछे आके रुक गई थी जब 2013 में फ्लड आया था बहुत जोर का, तो चमत्कारी था कुछ जो भोलेनाथ का चमत्कार था कि इस मंदिर को कोई भी क्षति नहीं हुई। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, तो चमत्कार के बारे में बात करना ज़रूरी भी है। और ये पीछे पूरी बर्फ है, ये इधर से आई थी बह के, बहुत बड़ी सलाह है, टनों वजन की है। और चमत्कार इसलिए कि इतना वजन का प्रेशर लेके ये यहाँ तक आई और जस्ट मंदिर के पीछे रुक गई। अगर मंदिर से यही टकरा जाती तो मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता, पर चमत्कार यही होते हैं। एक जो शक्ति है वो हमेशा काम करती है इस ब्रह्मांड में, जिसे हम लोग अपनी अपनी मान्यता अनुसार बेशक मानते रहे, पर शक्ति अनंत है और वही चलायमान है, वही इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से पूरा डेवलप किया जा रहा है इस केदारनाथ धाम को दोबारा से। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा कॉरिडोर इधर बनाया हुआ है पूरा, जबकि 2013 के फ्लड से पहले ये ऐसा नहीं था। पूरी दुकानें पूरी घिरी हुई थी, छोटा सा चबूतरा था मंदिर के इधर उधर, क्योंकि 2012 में जब मैं आया था कंस्ट्रक्शन बहुत एकदम कंजस्टेड हो रखा था, पर अब बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया है, आगे तक भी बना रखा है। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है, देवस्थानम बोर्ड का भी बहुत अच्छा योगदान चल रहा है, तो आपसी सहयोग से ये सारी चीज़ें ही होती। तो इसी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ मैं अब केदारनाथ से आपसे विदा लेता हूँ और तुंगनाथ होते हुए मैं बद्रीनाथ पहुँचूँगा और फिर बद्रीनाथ धाम, जो साक्षात जिसे धरती का
वैकुंठ कहा जाता है, वहाँ के आपको दर्शन कराता हूँ। तो धरती का स्वर्ग और धरती के वैकुंठ, ये मेरी दोनों यात्राओं का पड़ाव था। पहला पड़ाव मैंने पूरा किया है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन मैंने किए। अब मैं धरती के वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करूँगा, जहाँ साक्षात भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित है। तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। बाकी नज़ारे कुछ इस तरह से हैं, पूरा बर्फ ही बर्फ। महादेव करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आपसे मिलता हूँ तुंगनाथ में। हर हर महादेव।